देखने में आपको यह आम तालाब लग रहा होगा, लेकिन यह सामान्य पौंड नहीं है। इसका पानी कई लोगों के लिए अमृत के समान है, क्योंकि यह है सल्फर वाटर, यानी कि गंधक पानी। कहते हैं इस पानी में नहाने से खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी जैसे स्किन प्रॉब्लम छू मंतर हो जाते हैं। उत्तराखंड में वैसे तो गंधक पानी के कई स्रोत हैं, उनमें से एक जगह है देहरादून के नजदीक। यह जगह जितनी खूबसूरत है उतना ही मुश्किल यहाँ तक पहुँचने का रास्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचकारी सफर को। सफर की शुरुआत होती है देहरादून के रायपुर से। ये महाराणा प्रताप चौक है और यहाँ से आगे मालदेवता वाली रोड पे हमें जाना है। हमारी पहली मंजिल है मालदेवता। यह जगह जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, ये मालदेवता बाजार से थोड़ा सा आगे है। यहाँ से दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। हमें सीधी सड़क पर नहीं जाना है, हमें दाई तरफ जाना है, जो हमें ले जाएगा मालदेवता पुल पर। इस खूबसूरत पुल से गुजरने का भी एक अलग आनंद है। पुल को पार करते ही तीन रास्ते दिखाई दे रहे हैं। ये बीच वाला रास्ता पकड़ना है। जी हाँ, ये वाला। ये रास्ता देखिए, इस तरह का पूरा कच्चा रास्ता है पूरे सफर में। हालांकि जो एडवेंचर का आनंद है वो ऑफ रोड में ही आता है। ये सामने देखिए मालदेवता का पिकनिक स्पॉट। यहाँ पे लोग आते हैं नहाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए। ये नदी सोंग नदी है और इस नदी के किनारे किनारे हमें जाना है। यहाँ से हमें नीचे वाली रोड पर जाना है। ऊपर वाली रोड भी वहीं ले जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस नीचे वाली सड़क का इस्तेमाल करते हैं। हम भी इसी से जाएंगे। हम एक्टिवा से जा रहे हैं, हालांकि रोड के हिसाब से हैवी बाइक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। सल्फर वाटर पॉन्ड मालदेवता पुल से तकरीबन 16-17 किलोमीटर दूर है। पूरी की पूरी ऑफ रोड है, जैसा आप देख ही रहे हैं। इस जगह के दीवाने दून के साइकिलिस्ट हैं। जी हाँ, वैसे इतनी दूर और इस मुश्किल रास्ते पर साइकिल चलाना कम खतरनाक नहीं। Thank you.
ये खूबसूरत गांव खेत खलियानों को देखिए, ये सब इस मुश्किल भरे रास्ते में आपका दिल खुश कर देंगे। सफर लंबा जरूर है, लेकिन आगे बहुत मजा आने वाला है। बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए, ये प्रस्तावित सोंग बांध वाली साइट है। यहाँ पे डैम बनना है। मालदेवता पुल से यह जगह तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। यह लोकेशन भी अच्छी है, यहाँ भी लोग फैमिली के साथ आते हैं। यहाँ से आगे कार के लिए रास्ता सेफ नहीं है। सोंग नदी पर सौंदड़ा गांव के नज़दीक यह जगह है। ये इस बांध का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। इधर ये देखिए, ये तो इधर सुरंग भी बन चुकी है। ये बांध की सुरंग लग रही है। बहुत ज्यादा अंधेरा है, अंदर जाना ठीक नहीं है। फिलहाल तो काम बंद है, लेकिन आने वाले दिनों में इस जगह का नजारा बदलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। यहाँ से आगे रास्ता संकरा और खतरनाक। इस जगह की खास बात यह है कि नदी के किनारे किनारे ही रास्ता है, और जहां से हम अभी गुजर रहे हैं यह देहरादून जिले में आता है। मतलब नदी के इस छोर देहरादून और उस छोर पे टिहरी जिले की सीमा है। अब यहां से हम ये नदी पार करेंगे और हम टिहरी जिले की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। ये देखिए, सामने स्कूल है और राजकीय इंटर कॉलेज रगड़ गाँव टिहरी गढ़वा लिखा हुआ। ये हम पहुंच गए रगड़ गांव। ये गांव का छोटा सा बाजार आप देख रहे हैं। इन दुकानों से आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं, चाय नाश्ता भी कर सकते हैं। गांव से आगे फिर नदी पार कर हम देहरादून जिले की सीमा में चले गए। ये देखिए, यहाँ नीचे नदी में भीमल भीमल की बारीक लकड़ियाँ यानी घेड़े, जिन्हें स्थानीय भाषा में कहते हैं, वो भिगाने के लिए डाले हुए हैं। यहाँ जरा गौर करें, इस मोड़ से ऊपर ना जाएं, सीधे हमें यहाँ से चलना है। याद रखें, आपको नदी के समांतर चलना है, यानी नदी के पैरलर आपको चलना है। मंजिल दूर नहीं है, लेकिन सबसे मुश्किल सड़क पार करनी अभी बाकी है। जी हाँ, ये बारीक पत्थरों में टू व्हीलर गिरने का बहुत ही रिस्क है।
और ऊपर से देखिए कितने सारे ये बारीक पत्थर, गारे जिन्हें हम कहते हैं, वो बिखरे पड़े हुए हैं। इस जगह के बारे में भी आपको कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे, लेकिन वापसी में पहले अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। कार रास्ता नहीं है। यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ सामने नदी के दूसरे छोर में यानी कि टिहरी जिले वाले हिस्से में आपको एक गांव दिखाई देगा। इस गांव का नाम सेरा है और जिस साइड हम खड़े हैं, जिस छोर पे हम खड़े हैं, इस साइड, इस यहाँ पे सल्फर वाटर पॉन्ड, ये जगह का नाम घुत्तू है। घुत्तू गांव यहाँ पर है और यहाँ से हमें नीचे उतरना है और ये देखिए हम पहुँच गए हैं। वाह जी वाह, क्या नज़ारा है। किसी स्विमिंग पूल से कम एहसास नहीं है यहाँ नहाने का। ये देखिए कितनी साफ सुथरी जगह है। आपसे भी निवेदन रहेगा कि अगर आप यहाँ आए तो गंदगी ना करें। यहाँ आपको सल्फर की स्मेल महसूस होगी, काले नमक जैसी। ये देखिए कितना सल्फर यहाँ जमा हो रखा है। लोग इसे अपने शरीर पर भी लगाते हैं, दूर दूर से लोग यहाँ नहाने आते हैं ताकि सल्फर के पानी से उनकी स्किन प्रॉब्लम, जो चर्म रोग हैं, वो दूर हो सकें। वैसे उत्तराखंड को प्रकृति ने कई उपहार दिए हैं और उन्हीं में से एक यह गंधक पानी का स्रोत है। ये देखिए धरती के नीचे से कैसे पानी निकल रहा है। यहाँ पे दो तालाब बनाए हुए हैं, ऊपर ये गोल वाला पानी का जो मुख्य स्रोत है, यहाँ नहाना मना है। और यहाँ से नीचे इस पानी को एक बड़े से तालाब में डाला गया है जहाँ आप नहा सकते हैं, फुल मौज मस्ती कर सकते हैं। देखिए यहाँ भीड़ बढ़ रही है। वैसे यहाँ आने के लिए सुबह का समय सबसे ठीक है, दोपहर तक वापस लौट जाएंगे। तो अब लौटते हैं। जाते जाते आपको यहाँ के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बता दें। जिस रास्ते से हम आए इसका नाम है माल देवता हिलांस वाली रगड़ गांव घुत्तू सड़क। ये सिल्वर वाटर पॉन्ड घुत्तू गांव में है। इस गांव से आगे सड़क नहीं जाती है। ये पूरी सोंग रिवर जो वैली है, यह उप खनिज की खान है। इस जगह को देखिए, ये चूने के पत्थर बिखरे पड़े हुए हैं। ऐसी जगहों पर पहले चूना पत्थर की खदान होती है। ये पत्थर देखिए, चूने के पत्थर हैं। ये देखिए कैसे हाथ सफेद हो गया है।
तो इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। नमस्कार, जय हिंद।